भाई साहब चार की बना रहे हैं बिल्कुल, देखो माहौल को खराब ना कर, ये लाइट को डाल दे, माहौल को बिल्कुल खराब ना करें, थोड़ा रास्ता बना दे, माहौल को बिल्कुल खराब ना करें, शांत की बनाए रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीडिया भी सब जो है, ये सरकार जो है पूरी जी जी मालूम सब खराब कर रखा है सारा सिस्टम, वही सुधारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की मदद चाहिए। मेरा पूरा परिवार घर और भाई चाचा सब दर बदर हो गए, सब मकान पूरे मकान छोड़ के सबको भागना, हिंदुओं ने मुसलमान नुकसान किया है, गुलाम नहीं कराना, केजरीवाल बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, बिल्कुल साथ दे रहे हैं वो, और यहाँ कोई बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, मतलब छोटी छोटी बातों पर सड़क पर लेकर आके धरने देते हैं, अब धरना ऐसे समय क्यों नहीं दिया, इंतजार नहीं आप भूल जाओ, कंप्लेन दर्ज कराने की जिम्मेदारी हमारी, वो हमारी ये इमीडिएट सामने आओ, नहीं लोग आ भी रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देखना शुरू करो, किसी को फिर जुल्म करने की हिम्मत ना हो, पुलिस ने अगर जुल्म किया है तो साफ लिखिए कि पुलिस ने जुल्म किया है, किसी और ने जुल्म किया हो तो नाम के साथ लिखिए कि हम उसको पहचानते हैं, उसका नाम ये है जिसने ये जलाया है, ये मारा है, ये कत्ल किया है, सब कुछ किया है, ये अगर नहीं हुआ और दब गए तो आइंदा भी ऐसे जुल्म होते रहेंगे, एक मरतबा अगर एक जगह पर जम गए तो आइंदा इंशाल्लाह जुल्म खत्म हो जाएगा। कांड हुआ है क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है, मैं शिवघर में रहता हूँ, माइनॉरिटी कमेटी से मेंबर भी हूँ, और ये मंडे से दंगा चालू हुआ था, कुछ लोग आए, तकरीबन 40-50 लोग आए थे, उनके हाथों में डंडे भी थे, तलवारें भी थी, और उन्होंने ये कहा कि जय श्री राम का यानी कि नारे लगाए जय श्री राम के, और कहा यहाँ रहेंगे, यहाँ रहोगे तो जय श्री राम के नारे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी गोदर कांड बना दिया जाएगा और यहाँ से तुम्हें भागना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ लोगों ने आगे वहाँ पर आवाज़ उठाई। जो सरकारी आंकड़े हैं शुरू से कम करके बताए जा रहे हैं, पुलिस क्योंकि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है हाईएस्ट लेवल से, और मिस्टर ट्रंप की भी जो विजिट थी सरकार में भी साफ साफ दो धड़े हैं, एक ऐसा धड़ा है जो दिल्ली पुलिस की मदद से ट्रंप साहब का दौरा ख़राब करना चाहता था, देश का नाम ख़राब करना चाहता था, और दूसरा धड़ा ऐसा है जिसने NSA को भेजा और इस चीज़ को होम मिनिस्ट्री को बाईपास करके अपने पास लेने की और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार में भी दो धड़े साफ साफ नज़र आ रहे हैं। भाई जरा खाली कर।